तो आज हम बात करने वाले स्टम्बल गाइस के टूर्नामेंट्स में होने वाले टॉर्चर के बारे में, जो कि किस तरह के। तो ये टॉर्चर बहुत खतरनाक होते हैं और आपको गेम छोड़ने पर विवश कर देते हैं, ठीक है। तो पहला टॉर्चर, अगर आपके पास अच्छा वाईफाई नहीं है तो पिंग आपको इतना परेशान करेगी कि आपका खेलने का मन ही नहीं करेगा। एंड मान लो अगर आपके पास वाईफाई भी अच्छा सा, तो आपके साथ इतने सारे ग्लीचेस होंगे कि आपको आउट करवा के मानेंगे। और मानो ग्लीचेस भी नहीं हुए तो आपके साथ होगा कुछ। तो देखो भाई, मैं खेल रहा था VMG का 1v1 टूर्नामेंट, जिसमें मेरे साथ कुछ बहुत ही खतरनाक कांड होता है जो आपको देखना चाहिए और आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा, ठीक है। तो यह फेज 2 का एक राउंड था, ठीक है। तो इसमें मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि जिसको देख के दिमाग पूरा ख़राब हो गया। और भाई मुझे लग रहा है मुझे संन्यास लेना ही पड़ेगा टूर्नामेंट से, भाई कुछ हो ही नहीं रहा भाई। तो देखो, ये एक राउंड था एंड इसमें हम लोग करेंगे अभी के लिए कॉमेंट्री, एंड जब स्कैम होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चल रहा है और एक प्लेयर आया है SPX नाम का, कुछ तो नाम है इसका। तो इसको मारना है मुझे जीतने के लिए। देखो, स्टम्बल गाइस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ग्लिचेस भरे पड़े हो सकते हैं जिसका आपको आइडिया तक नहीं है। तो मेरे साथ वही होगा अभी। तो अभी तो ट्रिक व्रिक करके बचा जा रहा है दोनों के द्वारा। और यहाँ पर कौन आउट होगा, यहाँ पर देखते हैं। अभी कोई नहीं हुआ आउट, खतरनाक ब्लॉक्स आएंगे तो उसको पेलना पड़ेगा। और ये PHK यूज़ भी नहीं कर रहा है भाई, इसके पास PHK भी नहीं है शायद। नहीं है भाई इसके पास PHK, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से अब तक एक बार PHK यूज़ नहीं करा है, केवल टोंट यूज़ करे जा रहा है। तो देखते हैं ये जीतेगा कि नहीं मेरे से। और मैं भाई मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसको मारने के चक्कर में मैं आउट हो जाऊँगा, मुझे 100% पता ही है, ठीक है। भाई सुपर पंच मारने जाऊँगा तो मैं खुद ही ठिल जाऊँगा। यहाँ पर आया खतरनाक ब्लॉक और मैं नहीं चाहता भाई मैं टकरा टकरा के रिस्क लूँ, मैं इधर उधर भिड़ जाता तारों में। और वो गया फिलहाल, तो नाइस हो गया, मैं इधर उधर भिड़ जाता अगर वहाँ से जाता मैं तो। यहाँ पर क्या मुझे विन मिलेगी? जी हाँ, यही स्कैम है हमारा आज का। तो यस गाइस, यही है वो खतरनाक स्कैम जिसको देखने के बाद भाई दिमाग ख़राब हो गया। एंड मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, यह है रीमैच ग्लीच, ठीक है, जो टूर्नामेंट के राउंड में, तो देख सकते हो 6th राउंड है एंड मुझे दोबारा दे दिया। तो अभी वापस से खेलते हैं, 6th राउंड ही है भाई, रीमैच कर दिया, मैं जीता, मेरे को विन नहीं मिली। तो ये भाई बहुत ही खतरनाक ग्लीच है और भाई बहुत ही दिमाग ख़राब कर देने वाला ग्लीच है ये। तो मुझे विन नहीं मिली एंड अब मैं समझ गया था, बिल्कुल समझ गया था, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हो चुका है। देखो, जब तक मैं जीतता रहूँगा इस प्लेयर से राउंड 6 में, तब तक रीमैच होता रहेगा, ठीक है, मेरे को विन नहीं मिलेगी। और अगर मैं इसको नहीं जीतने देता हूँ टाइम एंड तक, ठीक है, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। एंड अगर ये प्लेयर जीतता है तो विन इसको मिलेगी 100%। देखो होता क्या है, तो ये 2nd मैच था भाई रीमैच, ठीक है, तो इसको मुझे हराना है। और मुझे लग रहा था कि शायद इस बार मुझे विन मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी 2nd टाइम भी मिल जाती है विन। लेकिन देखो मेरे साथ होता क्या है यहाँ पर। ओके, अभी तो वो ट्रिक कर रहा है और मैं भी ट्रिक करके बच रहा हूँ। और इसको भाई देखो, 2nd टाइम मुझे गुस्सा तो आ रहा था इस पर कि दे के पटक दूँ भाई, लेकिन चलो अभी आराम से खेलते हैं एंड इसको आउट करेंगे, देखते कौन आउट होएगा यहाँ पर। अगर इस बार भाई मेरे को विन नहीं दी तो मैं भाई गालियाँ भरूंगा स्टम्बल गाइस के डिस्कॉर्ड पे जाके, बहुत गंदी गंदी, चाहे फिर मेरे को बैन या टाइम आउट ही क्यों ना दे दे, दिमाग ख़राब कर दिया भाई। एक तो पिंग मेरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आया और अभी मैं भाई बॉम्ब, और ये जम ग्लिच भी होता है, तो मैंने बॉम्ब फोड़ा और वो नहीं मरा, वो आ गया सुरक्षित बच के। तो यहाँ पर मेरा भाई मतलब पूरी तरह से भाई यार टूट चुका था भाई विश्वास कि ये मेरे को विन देंगे। तो अभी यहाँ पर गया मैं और ये वहाँ पर गिर गया, वो स्वयं ही गिर गया वहाँ पर और ये हार गया, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूँगा, अभी देखते हैं यहाँ पर मुझे विन मिलती है कि नहीं, ठीक है। आपके सामने मैं जीता और अभी जल्दी से इसको लोड होने दो, फिर दिखाऊँगा मैं। लोडिंग हो जाए भाई जल्दी। ओके, लोडिंग हो गई, चलो अभी देखते हैं। विन नहीं मिली, नहीं मिली, इस बार भी विन नहीं मिली यार, कितना घटिया गेम है। मतलब इतने गिर गए हैं स्टम्बल गाइस वाले में, क्या ही बताओ। कौन से राउंड में था? 5वें में नहीं था, नहीं 6th राउंड था वो। तो चलो 6th राउंड में देखते हैं, लोड हो जाए जल्दी। विन नहीं मिली यार मुझे, कितना ज़्यादा गिर गए हैं ये लोग। ओके, नहीं मिली, वापस से रीमैच कर दिया, 3rd रीमैच भाई। यार हराने के लिए कितना गिरोगे यार तुम लोग मुझे। तो यहाँ पर देखते वापस से रीमैच होगा हमारा, और बैग फेंकने वाला ग्लिच भी दिमाग खराब कर देता है। अभी देखते, ओके रीमैच हो गया वापस से। बहुत सही भाई, तुम भाई गिर जाओ भाई, तुम लोग बहुत गिर जाओ, ग्लिच तुम लोगों से ठीक हो नहीं रहे, अपडेट पे अपडेट तो ला रहे हो लेकिन ग्लिचेस तुम संभल नहीं रहे। तो यहाँ पर 3rd मैच है ये, 3rd रीमैच, ठीक है। और 3rd रीमैच में देखते भाई इसमें भी जीतते कि नहीं या हार जाएंगे। और मुझे तो लग रहा है भाई कि अब मैं हारूंगा तभी मैच खत्म होएगा वो ये, अगर मैं जीतता रहूंगा तो ड्रॉ होएगा, मेरे को विन तो नहीं मिलेगी 100%।
तो अभी मुझे ना गुस्सा बहुत ज्यादा आ चुका था और मैं भरे जा रहा था इसके पंचे, चाहे मैं स्वयं भी मर जाऊं लेकिन अब तो मैं इसको आउट करके रहूंगा भाई जबरदस्ती। और इसके पास PHK नहीं है, इतना तो मुझे कंफर्म हो गया था। तो यार देखो मैं एक ये भी निकालूंगा कि इसके पास PHK नहीं, तो तुम इसको विन दिला रहे हो, ठीक है? क्या मैं PHK यूज कर रहा हूँ तो मैं पाप कर रहा हूँ क्या भाई? मेरे को विन नहीं दे रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी यार। PHK के लिए जय भाई जेम्स दिए स्टम्बल पास में, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं यहाँ पे इसको गिराया और ये वापिस से बच के आ गया, और मैं अभी ट्रिक करके मैं भी बच गया। और ये गिर जाए उसके बाद देखते हैं, ठीक है, इस बार भी मुझे विन मिलती है कि नहीं। और यहाँ पर कोई रिस्क नहीं भाई, क्योंकि मुझे देखना है मुझे विन मिलेगी कि नहीं। यहाँ पे बहुत खतरनाक ट्रिक करके बचा मैं और यहाँ पर आ गया था एंड। मैं इसको मारने के लिए बहुत भाई बहुत प्रयास करा लेकिन मर नहीं रहा था। अब यहाँ पे ट्रिक करके निकलेंगे। ओके वो निकल गया और मैं नहीं निकल पाया। नाइस भाई, जी जी भाई, स्टम्बल गाइस गिर गए हो भाई, बहुत ही ज़्यादा गिर गए हो तुम लोग भाई। इनकी बेशर्मी की ना कोई हद नहीं है। अब इस बार मैं आउट हो गया, ठीक है, मैं आउट हो गया और मैं स्किप नहीं करूँगा। तो देखते भाई मैं आउट होने पर विन किसको मिलती है। मुझे तो लग रहा है भाई 100% कि इसको विन मिल गई होगी। तो देखते हैं अभी जल्दी लोड होने दो गेम को। ये हुआ लोडिंग और आगे बढ़ते हैं भाई। विन किसको, यस नाइस नाइस भाई, खेल गए हो भाई स्टम्बल का इस बार तुम लोग, बहुत ही न्याय थी भाई। भाई इनकी ना शर्म वरम नहीं है भाई स्टम्बल का इस वालों में, गिर गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी 6th राउंड में मैं हार चुका हूँ। वाह जी जी स्टम्बल गाइस, यार बहुत ही खतरनाक। और अब देखो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इस एक राउंड हारने के कारण मैं फेस के लिए नहीं जा पाया। अगर ये एक राउंड जीत जाता, ठीक है, मेरे को रीमैच नहीं करवाते तो मैं फेस थ्री चला जाता, लेकिन गिर गए हैं भाई, क्या ही करें। अब एक एक्सपोज हो गया भाई मेरे लिए, तो स्टम्बल गैस पूरा का पूरा, ठीक है यार बहुत ही खतरनाक है स्टम्बल गैस वाले, बच के रहना। तो गैस आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो एंड कॉमेंट में बताओ कि आपके साथ भी कोई ग्लीचेस हुआ है टूर्नामेंट्स में जिसके कारण आप आउट हो गए हो। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।